वीडियोस देखा अच्छे से कि कैसे डील करना है, कैसे कुछ करना है। फिर मैंने अच्छे से देखा, पूरा रात जाके अच्छे से देखा, फिर मेरे माइंड में वो सब सेटअप किया कि हाँ मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस रहना ही है कुछ भी, क्योंकि मुझे आगे जाके मुझे बच्चों को हैंडल करना है। एक नीट को बच्चे नीट जो लोग नीट दे रहे हैं उन लोगों का अगर मुझे हैंडल करना है तो मुझे तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, और अपना बेस मेरा बेसिक वो भी अच्छे से बेस अच्छे से बनाना ही चाहिए। तो मैं बस वही माइंड पे रख के आपका वीडियो देख के रही गई थी बस, और कुछ नहीं। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे आई हैव अ वेरी गुड एंड न्यू मेंबर इन दिस चैनल जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ। शी इज सुनीपा। सुनीपा ने रिसेंटली बायजूस का, आकाश बायजूस का बॉटनी फैकल्टी का इंटरव्यू क्लियर किया है। एंड शी हैज गॉट द ज्वाइनिंग ऑपरेटर भी मिल चुका है उनको। एंड शी इज अबाउट टू ज्वाइन नाउ इन वेरी फ्यू डेज। तो टुडे इन दिस वीडियो शी इज हियर जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस दैट क्या जर्नी रही उनकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एंड शी विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग ऑल द राउंड्स, कैसे राउंड्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो वी विल ट्राई टू हेल्प इन द कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड देन ट्राई टू ऐड योर फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन। देन आपने क्या सीखा सुनीपा से, उनकी टिप्स कितनी हेल्प कर रही है आपको। आई विल बी हैप्पी इफ कुछ लोगों का आपका सिलेक्शन होता है बाय सीइंग दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग एंड शी इज सुनीपा। So Sunipa, first of all, welcome to my YouTube channel. So we all are very happy that you have cracked the job role in Akash Byju's in very quick span of Glad that time. I'm here. So most welcome, and we are very happy from the bottom of our hearts that you have cleared the interview and you are about to join Akash Byju's very soon. So people are excited; they want to know about your journey. So without wasting any further time, I'll give it to you. You can start with your intro, a basic intro about you, and then we'll move ahead with the complete journey of yours. Over to you, Sunipa. My name is Shunibha Samila. I'm from Kolkata. I have done my BS in botany from Ashutosh College under the Calcutta University. Then I have done my MSc in Vishwabharati from Vishwabharati University in botany. That's it. Even I have cleared a gate exam on your level also. My God, very good. And now you are actually the faculty in Akash Byju's, right? You are about to join Yes, Akash sir. Byju's. Very good, very happy for you. So Sunipa, हमें आपसे Yes, शुरू sir. से जानना है कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है आपकी। हाउ यू अप्लाइड फॉर आकाश बायजूस, व्हाट जॉइनिंग हैपेंड एग्जैक्टली। इज 13 अक्टूबर। मुझे ओके परफेक्ट, वेरी गुड। लगा था कि मुझे PhD करना है, इतना मैंने कभी फोकस भी नहीं किया था इन सब चीजों पे। तो मेरा माइंड पे ये था आफ्टर कंप्लीटिंग माय MSc मैं PhD करूंगी, ज्वाइन करूंगी, प्रिपरेशन भी करूंगी नेट फेट के लिए। फिर सडनली जब हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो HOD ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऑन कैंपस हो रहा है, आकाश इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट, अगर कोई किसी को ज्वाइन करना है तो दे कैन अप्लाई। तो मैंने भी बस अप्लाई कर दिया था क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था इसलिए। फिर जो हमारा इंटरव्यू भी प्रोसेस हुआ था वो हमारा एग्जाम चल रहा था, तब तक जब चल रहा था मैं इंटरव्यू भी क्लियर कर रही थी अलॉन्ग विद माई एग्जाम्स ऑल्सो, लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स ऑल्सो। तो फिर ऐसा ही हुआ था, फिर मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था। फिर आफ्टर रिटन एग्जाम मुझे लगा था कि आई नेवर फेस दिस काइंड ऑफ इंटरव्यूज बिफोर, तो मुझे लगा था कैसे प्रिपेयर करूँ क्या करूँ। फिर आई वाज गो टू द यूट्यूब, देन मुझे आपका जो वीडियोस वही मिला, मैं बस वही वीडियो देखी। फिर मैंने इंटरव्यू में गई, फर्स्ट इंटरव्यू था वो मैं गई, फिर सब्जेक्ट अच्छा हुआ, मैं बहुत सेटिस्फाइड किया। इंटरव्यूज जो थे वहाँ पे वो लोग भी बहुत ही इम्प्रेस थे मेरे इंटरव्यू से, बिकॉज आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। फिर मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट भी आया, फिर मेरा एचआर इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया मेरा, फिर उस वो भी अच्छा गया क्योंकि मैंने जो भी एचआर इंटरव्यू का अपना जो भी प्रोसेस था, जो भी क्वेश्चंस दे बाईपास, मैं सब कुछ देख के गई थी। आपका जो वीडियोस वही मैंने आंसर दिया, वही उस टाइप का आंसर दिया, फिर बस हो गया, ऐसा ही हो गया। परफेक्ट। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू कि मेरे वीडियोस ने आपको हेल्प करी एंड फाइनली यू हैव क्रैक द जॉब रोल। तो सुनीपा, हम स्टार्टिंग से आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेस्ट दी, रिटन टेस्ट एज यू हैव मेंशन। तो कितने क्वेश्चन आए थे उस टेस्ट में आपके? They asked me around 40 questions as much I remember. ओके Right now, they asked 40 questions with all the 5 to 36 correctly. परफेक्ट। ओके, सो आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे उसमें?
उसका रिजल्ट आया, हाँ 36 to 35 आई वाज करेक्ट, ओ माय दैट आई एम गॉड श्योर दैट दैट दिस क्वेश्चंस आर करेक्ट, गाइस, ये डेडिकेशन लेवल होता है, 35 दे आर क्वेश्चंस वेरी करेक्ट बेसिक आउट ऑफ क्वेश्चंस, 40, दिस इज अ डेडिकेशन लेवल। लाइक आई वुड मेंशन दैट दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, या इफ योर बेसिक इज वेरी क्लियर एंड इट्स इजी टू क्वालिफाई. परफेक्ट, ग्रेट। ओके, तो टेस्ट रिजल्ट कब मिला था आपको आफ्टर गिविंग दैट टेस्ट, इन हाउ मेनी डेज? अराउंड 5 to 6 days रिजल्ट्स आ गए थे. हाँ परफेक्ट। तो ये टिप्स हमारे ऑडियंस हमसे काफी पूछती है कि फॉर रिटन टेस्ट डू आई हैव टू स्टडी कंप्लीट बॉटनी, या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने से हम बॉटनी का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं रिटन टेस्ट? व्हाट आई लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप बस एनसीईआरटी का जो बॉटनी पोर्शन है 11th 12th का, बस बॉटनी अगर गो थ्रू करके जाओगे तो वहीं से हो जाएगा, मतलब बहुत ही इजी. मॉर्फोलॉजी से दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द इकोलॉजी, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द एनाटॉमी, दिस पार्ट्स दे विल आस्क मेनली. तो अगर वो सब थोड़ा बेसिक बॉटनी जो है एनसीईआरटी 11th 12th लेवल का अगर आप करके जाओगे, बस गो थ्रू करके जाओगे, एक बार ही लेक्चर देख के जाओगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक. परफेक्ट, वेरी गुड। तो आफ्टर हैविंग रिटन टेस्ट आपका डेमो और इंटरव्यू हुआ होगा, राइट? तो डेमो का टॉपिक क्या चूज किया था आपने? मैंने चेन रेगुलेशन एंड लैक ऑपेरॉन चूज किया था. ओके, सो लेंथ क्या रही होगी डेमो की आपकी, जो लाइव डेमो दिया था आपने उनके सामने, उसकी लेंथ क्या थी आपकी? मेरा अराउंड मेरा 10 मिनट्स 10 मिनट्स था, इतना ज्यादा भी नहीं था. मैंने बस लैक ऑपेरॉन का जो टॉपिक है वही मेंशन किया था अच्छे से, वही मतलब डेमो वीडियो में किया था, तो बस 10 मिनट्स में वो हो गया था. तो सुनीपा, एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड, डेमो के लिए क्या फॉलो करना चाहिए हमारे ऑडियंस को जो प्रिपरेशन कर रही है? तो व्हाट डू यू वांट टू गिव टिप्स? व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप डेमो वीडियो करा रहे हैं तो ऐसा फील, मतलब अगर आप कर रहे हो कुछ डेमो कुछ भी कर रहे हो, आप ऐसा फील करके चलो कि आप सच में पढ़ा रहे हो. तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ऐसा माइंड में कुछ प्रेशराइज ऐसे प्रेशर करके कुछ भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही कर लिया था मैंने कि हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, बस कैमरा ऑन है मैं पढ़ा रही हूँ, बस ऐसे ही किया था और कुछ सोच के नहीं किया था. परफेक्ट, ओके। तो डेमो के बाद जो इंटरव्यू जो होता है डेमो के बाद आपका, वो इंटरव्यू कैसा रहा था हाँ आपका, सर, कितने क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था आपसे? मेरे लिए हमारा जब एग्जाम चल रहा था उस टाइम पे हमारा ये इंटरव्यू सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, तो मैं फोकस करके गई थी, जो मेरा डेमो वीडियो है जो मेरा टॉपिक था मैं अच्छे से वो करके गई थी. अच्छे से मतलब कुछ भी क्वेश्चंस अगर हायर लेवल में भी कोई क्वेश्चंस पूछे तो मैं वही करके गई थी, और साइड बाय साइड थोड़ा बेसिक बॉटनी लाइक एनाटॉमी का थोड़ा रूट्स थोड़ा देख के गई थी, मतलब कैसे फ्लावर एंड फ्लोरोसेंस दिस काइंड ऑफ थिंग मैं बस देख के गई थी. इतना ज्यादा कुछ मैंने नहीं देखा था क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था मुझे इतना, और मैं इतना मतलब पूरा चिल होके गई थी कि हाँ जो मुझे पता है वही बोलना है. तो फिर हुआ था हम लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था, और फिर उन लोगों ने मुझे बस 11 to 12 क्वेश्चन पूछा, और डेमो वीडियो से भी मोस्ट क्वेश्चन डेमो वीडियो से ही था, तो मैंने सब कुछ बोला था अच्छे से, तो दे आर वेरी इम्प्रेस्ड, ऐसे ही हो गया था. तो कितने क्वेश्चन होंगे आपके पूरे इंटरव्यू में जो अपार्ट फ्रॉम डेमो पूछे गए थे आपसे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? बस एक दो जस्ट एक बेसिक दो नॉलेज क्वेश्चंस, जाने के लिए. हाँ ओके। बट आपका जो डेमो वीडियो होगा वो वहां से आपको हायर लेवल क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक मेरा जो विन रेगुलेशन था वहां से मुझे म्यूटेशन कैसे मतलब सब कुछ पूछा था, मतलब कोई कॉन्सेप्ट दे के ऐसा पूछा था, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मुझे पूछा था. ओके, सपोजिंगली अगर 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो 12 में से कितने क्वेश्चन सही करने से आई कैन बी अश्योर्ड कि मेरा ये इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया आपके हिसाब से? सर मेरा हम दोनों का ही बस सिलेक्शन हुआ है, इतना मतलब 40 स्टूडेंट्स थे, 30 अराउंड 30 लोग अप्लाई किए थे हमारे डिपार्टमेंट से बॉटनी से, तो बस दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था, मतलब फाइनल में बस दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था. तो मेरा जो फ्रेंड थी उसको बस उसको एक ही गलत हुआ था उसका, बस उसका भी सब कुछ ठीक हुआ था, मेरा तो सभी ठीक आता था. मुझे लगता ओ है माय कि गॉड। अगर आप श्योर हो, हाँ अगर आप श्योर हो तो आपके सब्जेक्ट में नॉलेज है, हम ऐसा मैटर नहीं करता कि आप बोल पा रहे हो या नहीं, अगर गलत भी हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है क्या, हाँ मैं सही हूँ, मेरा सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, मेरा बेसिक बहुत क्लियर है, मैं पढ़ा सकती हूँ कुछ भी क्वेश्चन डील कर सकती हूँ, अगर आपके अंदर क्वेश्चन डील करने का जो क्षमता है वो अगर है तो यू कैन क्रैक इट नो मैटर परफेक्ट, हाउ. वेरी गुड।
तो गाइस ये टिप्स लेके जाइए इनसे कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन माय वे। सुनीपा ने ऑल क्वेश्चंस सही किए। कैन यू इमेजिन, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, एंड शी इज सो मच कॉन्फिडेंट, उन्होंने सारे क्वेश्चन सही बोले। उनकी फ्रेंड का भी सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। दैट मीन्स दे आर हैविंग गुड लेवल ऑफ नॉलेज, बिकॉज बॉटनी इज अ टफ सब्जेक्ट। इफ यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, दैट मीन्स आपका नॉलेज उस लेवल का है। सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो देर इज नो ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू प्रैक्टिस वेल। जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। उतना आप चीजों को जज कर पाओगे, समझ पाओगे, उतने आंसर्स कर पाओगे आप। सुनीपा ने भी आंसर्स किए मैक्सिमम कुछ मेजोरिटी क्वेश्चन के, एंड यू ऑल्सो कैन आंसर। बट ओनली थिंग इज, दोनों ने बताया आपको बेसिक एनसीईआरटी ऑफ बॉटनी क्लास 11-12 की पूरी स्टडी करनी है। स्टडीज में कहीं पीछे नहीं हटना है। वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, जितना भी हम कर सकते हैं वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मैं बोलूँ कि बस कॉन्फिडेंस अगर होगा तो मतलब कुछ भी, अगर बहुत लोग है कि घबरा जाते हैं ऐसे इंटरव्यूज में जाके, तो वो नहीं करना, घबराना नहीं है, बस कर देना है, माइंड में इतना प्रेशर नहीं लेना है, बस कर देना है। परफेक्ट। तो गाइस ये टिप्स लेके जाइएगा, बिकॉज दीज टिप्स विल हेल्प यू। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर में तो यू विल बी एबल टू आंसर लॉट मेनी क्वेश्चन। तो ट्राई यही करना है कि मैं बेस्ट से बेस्ट आंसर करूं एंड सारे क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करूं। तो सुनीपा, आफ्टर हैविंग दिस राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट अ कॉल फॉर एचआर राउंड? कब बताया उन्होंने आपको? अराउंड 3 to 4 days। 3 to 4 days। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू एचआर राउंड। एचआर में क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे आपसे? Why you want to join Akash? Like, tell me about your university. Tell me about your faculty, university professors. So tell me about yourself. This basic question they have asked me. That's it. कितने मिनट राउंड हुआ होगा आपका They एचआर राउंड? around 15 to 20 minutes, not that much. ओके, सो आप बता सकते हैं बेसिकली वो क्या जज करते हैं एचआर राउंड में? क्या उनका बेसिक पर्पस क्या होता है एचआर राउंड का? I'd say कि मुझे जो लगा, मैं अपना अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, मुझे जो या लगा कि वो बस ऐसे ही देखते हैं कि आप मतलब आपका माइंड में इतना प्रेशर नहीं है, बहुत ही लाइक अच्छे से उसको डील कर रहे हो, बस बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप बहुत ही ऐसे मतलब चाह रहे हो इस कंपनी को ज्वाइन करने में, आप बहुत ही ऐसे मतलब करो, कब कर लोगे, लाइक आप स्टूडेंट्स को भी हैंडल कर लोगे, आप आपके अंदर वो है, आपके पास नॉलेज भी है, तो आप बस एवरेज स्टूडेंट को भी हैंडल कर लोगे, बस कुछ भी करके वो हैंडल कर लोगे, वो सब वो लोग बस वही देखते हैं और भी कुछ नहीं। मुझे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, दे जस्ट आस्क्ड कि यू वांट टू डू पीएचडी आफ्टर दैट, तो क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे। मैंने वही वो भी बोला, यस सर आई वांट टू डू पीएचडी आफ्टर दैट, बट अलोंग विद इट आई विल मैनेज इट, मैंने वो भी बोला एंड श्योर किया कि हाँ मैं कर लूंगी, तो वो सब उन लोगों ने बस कॉन्फिडेंस ही देखा, बस और कुछ परफेक्ट। नहीं। तो सुनीपा आप बताइए हमारे ऑडियंस को, व्हेन डिड यू गेट द जॉइनिंग डेट? कब की जॉइनिंग आई है आपकी आकाश से? 30th अक्टूबर। 30th अक्टूबर। और हमारा अब बेस्ट पार्ट आने वाला है इस इंटरव्यू का, सबके लिए मोटिवेशन, आपकी सैलरी जो आपको दी गई है इसमें। इफ यू आर ओके विद डिस्क्लोजिंग द सैलरी, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे आपसे कि क्या पैकेज ऑफर किया है आकाश ने आपको। दे ऑफर्ड अस 7 to 9 lakh पैकेज प्लस 3 lakh अनवा बोनस। गाइज, एक फ्रेशर कैंडिडेट को 7 से 9 लाख रुपए का पैकेज इन फर्स्ट कंपनी जहां इन्होंने अप्लाई किया, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। आप सबको मोटिवेशन लेना चाहिए सुनीपा से कि एक फ्रेशर कैंडिडेट ने अपने दम पे, अपनी पढ़ाई के दम पे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक करके इतना अच्छा पैकेज क्रैक किया है। ये पैकेज बहुत लोगों का ड्रीम पैकेज होता है जो लोगों को नहीं मिल पाता है आफ्टर वर्किंग फॉर 2-3 ईयर्स ऑल्सो। बट एज अ फ्रेशर पहले अटेम्प्ट में शी हैज गॉट द पैकेज ऑफ 7 to 9 लाख रुपीज। आप प्लीज कुछ टिप्स लीजिए इनसे, ट्राई टू फॉलो द टिप्स, बिकॉज ये टिप्स बहुत काम आने वाली है। जिसने एक्चुअली फेस किया होता है ना इंटरव्यू, दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि क्या करना, कैसे करना सही होगा हमारे लिए। मैं आपको हेल्प करता हूँ उस वीडियो के थ्रू, बट सुनीपा ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, प्लीज प्लीज मेक अ नोट ऑफ द टिप्स जो उन्होंने शेयर करी है, ताकि यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स वेन एवर यू हैव द इंटरव्यू। तो सुनीपा, ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बींग अ फ्रेशर। आपने इतना अच्छा पैकेज क्रैक किया है एंड यू हैव ज्वाइनिंग वेरी हाँ सून सर, इन टू थ्री मेरा मंथ्स अभी एमएससी का रिजल्ट भी नहीं आया, एमएससी का रिजल्ट भी नहीं आया, मेरा अभी खत्म गाइस, हुआ है रिजल्ट एमएससी। नहीं आया है बट जॉब हाथ में है। सोचो आप, जहाँ लोग स्ट्रगल कर, रिसेशन का टाइम चल रहा है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए, इन दिस टेन्योर में शी हैज अ जॉब इन हर हैंड। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये अचीवमेंट ऐसी है ना
कि आप बाहर ढूंढते रहो जॉब आपको नहीं मिल सकती है, अनलेस अंटिल आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस हो दैट इन्होंने देखो आप इनको एक चीज नोट करना, जब वीडियो को रिवाइंड करके देखना पहले से स्टार्टिंग से, तो आप नोट करोगे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है पूरे वीडियो में। वेन एवर शी वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, इवन बॉटनी के बारे में शी वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, मेरे टेस्ट में इतने क्वेश्चन तो सही हुए ही है। ये लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, देन यू बिकॉज देखो आप फैकल्टी बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ लेक्चरर इन आकाश बायजूस। एक लेक्चरर अगर अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, तब तक के लिए आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना, द वे शी इज स्पीकिंग, वो मुझसे बात कर रही है, जस्ट लुक एट द वे शी इज स्पीकिंग, जो कॉन्फिडेंस है उनका, ये कॉन्फिडेंस लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट टिप है आज के इस वीडियो से कि प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, पहले अपने आप पे काम कीजिए, सब्जेक्ट से पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, अनलेस अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन नेवर क्रैक द इंटरव्यू विद दिस पोटेंशियल। तो सुनीपा अब हमारे ऑडियंस जो आपने एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया हमारे वीडियो से, वो बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने जो हमारे चैनल को देखा, हमारे वीडियोस को देखा, वो कितने हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए और क्या कुछ सीखा आपने उन वीडियोस से। मैं तो बोलूंगी आफ्टर द रिटन एग्जाम जब रिजल्ट आया मैंने तो एक्सपेक्ट किया था हाँ मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा सही हुआ था रिटन एग्जाम में अच्छा ही गया था तो मुझे लगा कि हो तो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे डील करूं, लेकिन क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं जॉब के बारे में क्योंकि मुझे पीएचडी करना था ऐसे ही माइंड में था। लेकिन मैं जब यूट्यूब में गई सर्च किया कि कैसे प्रिपरेशन करना है या कुछ अगर कुछ मिल जाए मेरा माइंड में यही था, सबसे पहले आपका वीडियो आया फिर मैंने 2-3 लेक्चर्स पहले देखा, फिर देख के मेरा मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अच्छे से आपका जो 3-4 वीडियो थे वो मैंने अच्छे से देखा, फिर आपने भी पूछा वहां पे कैसे करिए अगर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो मैं बस गो थ्रू करके गई थी, मेरा डेमो वीडियो भी गो थ्रू करके गई थी अच्छे से, तो फिर मैंने एग्जाम दिया फिर इंटरव्यू दिया फिर वो बहुत ही अच्छे से हो गया, जो वीडियोस देखा अच्छे से कि कैसे डील करना है कैसे कुछ करना है, फिर मैंने अच्छे से देखा पूरा रात जाग के अच्छे से देखा, फिर मेरे माइंड में वो सब सेटअप किया कि हाँ मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस रहना ही है कुछ भी, क्योंकि मुझे आगे जाके मुझे बच्चों को हैंडल करना है, एक नीट को बच्चे नीट जो लोग नीट दे रहे हैं उन लोगों का अगर मुझे हैंडल करना है तो मुझे तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए और अपना बेस मेरा बेसिक वो भी अच्छे से बेस अच्छे से बनाना ही चाहिए, तो मैं बस वही माइंड पे रख के आपका वीडियो देख के वही गई थी बस और कुछ नहीं। सो गाइस ये डेडिकेशन लेवल देखो आप, शी हैज स्पेंड होल नाइट इन स्टडिंग ताकि उनका इंटरव्यू अच्छा जाए। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी सुनीपा के बारे में, उनको रिजल्ट का टेंशन था ही नहीं, मेरा होगा नहीं होगा बाद की बात है, आई विल गिव माई बेस्ट। जैसे हमारे कैप्टन कूल जो एम एस धोनी है, वो कैसे करते हैं कि वो फोकस करते हैं अपने मैच पे, रिजल्ट का कुछ देखते ही नहीं, रिजल्ट आप पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा बिल्कुल भूल जाते हैं। वैसे ही आप फॉलो करिए सुनीपा की ये ट्रिप को कि आप बिल्कुल भूल जाइए मेरा होगा नहीं होगा, होना है नहीं होना है, बिल्कुल भूल जाइए, आपको अपना बेस्ट देना है। इंटरव्यू से निकलो ना तो अपने आप से एक सवाल करना कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है, दिस इज द बेस्ट विच आई कैन गिव जब मुझसे कुछ मिस हो गया है। अगर अंदर से ये जवाब आता है ना आई हैव गिवन माई बेस्ट, दैट मीन्स यू आर डन, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपका इतना कहना कि आई हैव गिवन माई बेस्ट, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, जो खुशी मिलती है ना अंदर से आई कांट टेल यू। तो सुनीपा ने जो टिप्स फॉलो करी है ना, रिजल्ट को भूल के सिर्फ फोकस करना अपने इंटरव्यू पे, अगर आप फॉलो करते हो आई एम गिविंग यू अश्योरिटी कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ये मेरी वर्ड्स है, आप फॉर श्योर इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। तो गाइस प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर नॉलेज, ऑन योर अकम्पलिशमेंट्स। तो सुनीपा अगर आपसे मैं पूछूं कुछ एक दो टिप ऐसी जो हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगी, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो क्या एक्चुअली बेसिक टिप्स जो होती है जो सबके लिए काम आती है आपके हिसाब से, क्या टिप होनी चाहिए वो? सर मैं बोलूंगी कि बहुत लोगों को ऐसे सबसे प्रॉब्लम जो होता है इंटरव्यू क्रैक करने में क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से, तो मैं बोलूंगी पहले ऐसे बिल्डअप करो, लाइक मिरर के सामने जाके बोलो कुछ भी बोलना है कुछ भी बोलो ठीक है, लेकिन अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करो, और आपका जो जो भी है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बॉटनी है बायोलॉजी है कुछ भी मैटर नहीं करता, जूलॉजी है कुछ भी मैटर नहीं करता, आपका अगर स्ट्रांग रहेगा अगर आपको पता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट ना बहुत अच्छे से आता है, अगर आपका माइंड में वो घुस जाएगा ना, और आपको ये अंदर रहना पड़ेगा कि सामने वाला जो इंसान है वो मेरे से ज्यादा नहीं नहीं जानता मुझे सब पता है, ऐसा अगर कॉन्फिडेंस लेके अगर आप जाओगे ना तो आप वो छोड़ दोगे,
ये मतलब मैं हर टाइम बिलीव करती हूँ, हर टाइम, मतलब कुछ भी हो लाइफ में, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस भी आप दे रहे हो आप, या इंटरव्यू भी जा रहे हो, और टीचर्स के सामने अगर वाइवा भी दे रहे हो ना, ऐसे ऐसे टीचर के जो हम, मुझे ही ज्यादा पता है क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूँ, टीचर्स तो बहुत पहले से पढ़ के आए हैं ना, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है ज्यादा, तो वैसे करके जाओ तो हो जाता है। गाइस, ये एक्सीलेंट टिप है, एक्सीलेंट टिप है कि अपने आप से सुपीरियर किसी को मत समझो, कि मेरे से बेटर कोई हो ही नहीं सकता है। इफ आई एम स्टडिंग बॉटनी, आई एम द मास्टर ऑफ बॉटनी, ये समझो, अपने दिमाग में माइंडसेट रखो। अनलेस वो कॉन्फिडेंस कभी आना ही नहीं है आपके अंदर से, इफ यू डोंट फील योर सेल्फ सुपीरियर, तो मान के चलो कि जब अगर वो पढ़ा रहे हैं, वो भी एक टीचर है, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर ऑल्सो, तो मुझे आती है चीज, आई कैन डू माई बेस्ट। ये टिप को नोट कर लीजिए एंड प्लीज प्लीज फॉलो दिस टिप। सुनीपा ने जो भी टिप्स दी है ना, वो बहुत हेल्पफुल टिप है, ट्रस्ट मी गाइस, वो आपको इतनी काम आने वाली है आपकी जर्नी में, कि यू विल कम अगेन इन दिस वीडियो, आप कमेंट पे आओगे एंड यू विल थैंक सुनीपा लेटर, आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद, क्योंकि उन्होंने आपका टाइम स्पेयर किया जस्ट फॉर यू ऑल टू गिव यू ऑल दिस टिप्स। तो प्लीज फॉलो कीजिए, अगर किसी का भी भला होता है इस वीडियो से, किसी का भी इंटरव्यू क्रैक होता है, इवन आई विल फील गुड कि मैंने कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया आप सबके लिए, जिसके थ्रू आपने ये इंटरव्यू क्लियर किया। और आप जानते हो कि मैं भी आपकी हेल्प तो करता ही हूँ पूरी जर्नी में। सो इफ आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस चाहिए, रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस चाहिए, एचआर के क्वेश्चंस चाहिए, आई ट्राई टू गिव यू हेल्प इन ऑल द वेज। अगर आपको मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना है हमारा, जो हम करवाते हैं, तो उसके लिए थ्री बेसिक मेथड्स हैं। पहला है व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको। सेकेंड जो मेथड है वो टेलीग्राम चैनल का है, जहाँ पे एवरी डे वी पोस्ट न्यू वीडियोज, उसकी टिप्स, उसकी लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो एवरी डे यू विल गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। और थर्ड एक गूगल फॉर्म का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप क्लिक कीजिए एंड फिल द गूगल फॉर्म, माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू फॉर मॉक सेशन। तो सुनीपा, बिफोर वी रैप दिस, एक कोई चीज जो आप बोलना चाहें बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, सो आई एम गिविंग टू यू, आप इसको ओवर कीजिए विथ योर टिप्स, जो लोग याद रखेंगे एंड टाइम तक भी। सर मैं यही बोलूंगी, कभी भी मतलब अगर आपको टीचर्स लाइफ में बनना है कि हाँ आपका माइंडसेट है मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपका यही माइंडसेट होना चाहिए कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। अगर आपका नॉलेज क्लियर हो तो आप बच्चों को हैंडल कर ही लोगे, क्योंकि उन लोगों को भी तो प्रिपेयर करना होगा ना कुछ अच्छे एग्जाम्स के लिए। तो अगर खुद आप अच्छे नॉलेज लेके जाओगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मैटर ही नहीं करता। अगर आप वो नॉलेज लेके जाओगे तो बच्चे भी आपसे खुश भी होगा और सीखेगा भी कुछ। अगर वो माइंडसेट होगा कि लाइफ में जॉब पाना है, ऐसा माइंडसेट कभी मत रखो। मैं यही बोलूंगी कि मेरा कभी था ही नहीं, मुझे लगा था एमएससी के बाद क्या है, एक क्वालिफाई हो गया, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगी, इवन मैं एमटेक के लिए भी, अभी सीसीएमटी काउंसिलिंग के लिए भी अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो ऐसा लगा था कि मैं करूंगी, मेरा तो क्लियर हो गया, क्या होगा। फिर मुझे जब पता चला इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो मुझे लगा कि हाँ मैं नीट के बच्चों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेरा माइंड सेट नहीं, पर आपको माइंड सेट नहीं रहेगा कि बच्चों को पढ़ाना है, बस उनके साथ डील करना है, ऐसा लेके अगर आप जाओगे तो आप कर सकोगे वो। तो गाइस, ये माइंडसेट का खेल है कि वी हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। जितना पॉजिटिविटी हम रखेंगे, उतनी पॉजिटिविटी के साथ डेफिनेटली हम इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। सो ये है आज का वीडियो, जिसमें वी हैव शेयर्ड ऑल रेलेवेंट टिप्स, इसको आप प्लीज नोट कीजिएगा एंड डू थैंक सुनीपा लेटर। कमेंट में आके थैंक यू बोलिएगा, थैंक्स बोलने में कुछ नहीं जाता है, बिकॉज शी हैज शेयर्ड हर टाइम जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके एंड यू कैन गेट द जॉब रोल। तो हम जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में विद सम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तब तक ध्यान रखिए अपना, एंड सुनीपा आप भी बोल दीजिए टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज मैं तो बोलता हूँ लोग उतना करते नहीं शायद, तो आपके बोलने पे शायद लोग कुछ कर दे। ठीक जैसे मेरा हेल्प हुआ है, आप लोगों का भी हेल्प हो, वही मैं चाहती हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस प्लीज कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस हम लाते रहें आपके लिए, आपको टिप्स देते रहें, ताकि यू कैन गेट ऑल रेलिवेंट अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.